सिरमौर जिला के शिलाई में बीते दिनों एक बेहद ही डरावनी वीडियो सामने आई। बस में 15 से 20 सवारियां थी, लेकिन चालक की सूझबूझ से सभी सवारियों की जान बच गई। जब तक सभी सवारियां नीचे नहीं उतर गई, तब तक चालक सतपाल ने अपनी सीट नहीं छोड़ी। सतपाल ने अपने पैरों से कसकर ब्रेक लगाई हुई थी। हुआ यूं कि बस का पट्टा टूट गया और बस खाई की तरफ मुड़ गई। बस के अगले दो टायर हवा में झूलने लगे। बस में चीख पुकार मचने लगी, सवारियां चिल्लाने लगी, लेकिन चालक सतपाल ने अपनी जान की परवाह किए बगैर सभी सवारियों को नीचे उतरने को कहा। पहाड़ प्राइम ने उनकी बहादुरी को प्रमुखता से उठाया और पूरे देश की जनता को दिखाया, जिसके बाद कई मीडिया घरानों की नींद खुली और उन्होंने भी उनकी इस बहादुरी को प्रमुखता से दिखाया। हमारी खबर पर तमाम जनता यही कहती नजर आई कि ऐसे बहादुर चालक को सम्मानित करना चाहिए, जिसके बाद प्रदेश के परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर ने ऐलान किया है कि चालक सतपाल को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने इसकी पूरी रिपोर्ट मंगवाई है और हो सकता है कि 15 अगस्त को चालक सतपाल को सम्मानित किया जाए। वाकई में इस तरीके से जब बहादुर लोगों को सम्मानित किया जाता है तो कहीं ना कहीं अन्य लोगों का भी मनोबल बढ़ता है। सतपाल सिंह ने बहादुरी का परिचय दिया है। एक बार फिर पहाड़ प्राइम की पूरी टीम सतपाल सिंह की बहादुरी को सलाम करती है।